और लंडो, क्या हाल चाल? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा था, सोचा तुम्हारा शेयर कर दूँ। उससे तुम्हारा चैनल भी गेन हो सकता है और मेरा चैनल भी गेन हो सकता है। मैं सोच रहा था कि अपने हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में तुम लोग से एक गेमिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछूँ, और उस क्वेश्चन का स्टार्टिंग के तीन बंदे लोग जो भी राइट आंसर देंगे उन लोग को अगले वीडियो में शाउट आउट दूँ, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का लिंक। तो कैसा लगा ये आइडिया, मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में ज़रूर। तो फिर अगली वीडियो में मैं ट्राई करूँगा, सोच लीजिए ना। चलो अब कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, करना है अगले वीडियो में ट्राई या फिर नहीं, और नहीं करना है तो भी लिख के बता दो, और करना है तो भी लिख के बता दो, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, कितनी मेहनत कर रहा हूँ। अब तो कर दो, 500 करवा दो मैंने आज, और अभी तो बकचोदी बहुत ज़्यादा ही कर दी है। तो चलिए अभी डायरेक्ट बढ़ते हैं वीडियो के बाद। आज वैसे भी कोई गेमिंग न्यूज़ नहीं है, बस छोटी सी एक क्लिप है दलजीत की, जो विलेजर ई स्पोर्ट खेल रहे थे और जिन्होंने ओपी वाला 1v4 किया अगेंस्ट ग्लोबल ई स्पोर्ट। तो चलिए देखते हैं वो क्लिप। पर वो जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑल पे कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे कंटेंट आपको रोज़ मिलेंगे इस चैनल देखने को। और भाई लोग अभी तो 500 सब्सक्राइबर करा दो यार, अब कितना रुलाओगे इस छोटे यूट्यूबर को। तो टीम ऑरेंज डॉग दो ही प्लेयर सर्वाइव कर रहे थे और स्प्लिट होकर के सर्कल के अंदर जाने की कोशिश, वहां पर एक प्लेयर को स्पॉट करके फिनिश ऑफ जरूर से किया गया। डेस्ट्रो बिंग द ओनली मैन स्टैंडिंग अभी जिस एंगल से एनक्लोजर दे रहे हैं, वहां पर टीम टीएसएम एंटिटी जो है वो इनका वेलकम करने के लिए जरूर से तैयार है। देखना पड़ेगा कि वहां पर सर्कल के अंदर एंट्री जो अलाउ होती है नहीं। मीनवाइल टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स की जो फाइट है वो रिशर्ट हो चुकी है, सामने है टीम आईएनडी के प्लेयर्स। तो ये एक बढ़िया फाइट हमें देखने को मिलती है, ऑल द फोर प्लेयर्स आर स्टैंडिंग। अगर हम बात करें टीम आईएनडी के, पर ये एक बेहतर नेड आता हुआ आतंकी गोस डाउन। टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स की बात करें गाइस, तो सांगवान एक डिफरेंट एंगल पे ऑफ गार्ड एंगल उन्होंने क्रिएट करके रखा हुआ, लगातार नेड दे रहे, मिनी रेड जोन इज व्हाट बोथ ऑफ दिस टीम्स हैव क्रिएटेड राइट नाउ। पर ये क्या बढ़िया रेड आया ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के फियर्स की साइड से, यहां पे जो दो प्लेयर डॉग्ड आउट नहीं थे उनको हमने डाउन किया, एक रिवाइवल एग्जीक्यूट करने के लिए आते टीम आईएनडी के प्लेयर्स, और अभी के लिए टोटली बैकफुट पर। सोलो मैन स्टैंडिंग इज दलजीत, एंड दलजीत के लिए एक 1v4 का सिनेरियो। ग्लोबल ईस्पोर्ट के सांगवान यहां पे फ्रेंड दलजीत की पोजीशन रिवील, एक अच्छा हाइट एडवांटेज है, ऑन पॉइंट स्प्रे आते हुए सांगवान को डाउन किया। दलजीत हैव ऑलरेडी डन दैट 1v4, कैन ही डू दैट अगेन इन दिस इरांगल मैप, देखना पड़ेगा यहां पे क्या होता है। अपने आपको हील करने के लिए रहेंगे, पर पोजीशनिंग के लिए कुछ बढ़िया जंप शॉट्स आएंगे, स्विच किया गन स्पॉट के एक और ब्रेक को, दो प्लेयर को डाउन किया, वन मोर ब्रेक गोस आउट, 1v4 कमिंग अप फ्रॉम दलजीत। व्हाट वाज दैट, दैट वाज इनसेन, दलजीत डूइंग इट वंस अगेन इन स्टाइल, व्हाट वाज दैट गाइस, ओएमजी, I'm speechless right now, guys. Daljeet already did it. Daljeet did it again. 1v4 against Team Global Esports. Oh my God, guys, what was that? ओके गाइस, अभी के लिए व्हीकल लेकर के ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे सर्कल के अंदर, एंड वो हो। और लॉन्डो कमेंट बॉक्स में बताओ आपको दलजीत का ये ओपी वाला क्लच कैसा लगा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। तो आप समझ रहे हो ना, आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है वीडियो को। अरे मैं गलत नहीं बोल दिया क्या? अच्छा गलत बोल दिया क्या? चलिए अब वापस से आते हैं फॉर्म में। हाँ तो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन ऑल पे कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय। हाँ पर सोचना जरूर जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैं पूछा था, कमेंट बॉक्स में बताओ।